guys, this is Shivangi and welcome back to my channel. Thanks for joining in. So in this video, I'm going to take you through 6 best places to eat in Mussoorie where you can have good time with tasty food and your taste buds will going to thank me later. So let's go and explore some cafes. First, let's go to my favorite place in Mussoorie, which is the Carlson Friends Corner. I love desi chatpata Chinese and I am a diehard fan of momos. And if you love momos too, comment down below. यहाँ का जो एम्बियंस है, डेकोर है, वो भी टिबेटन इंस्पायर्ड है विद द रेड लाइट्स एंड दीज ब्यूटिफुल लैंटर्न्स। यहाँ का जो मेन्यू है वो बहुत बड़ा है, आपको वेज नॉन वेज दोनों तरह की डिशेस यहाँ पे मिलेंगी। दे सर्व चाइनीज, थाई, टिबेटन क्विजीन, मोकतुक से लेकर नूडल्स, चिली पोटैटो, थेनतुक, आपको बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे मिलेगी। वी ट्राइड मोकतुक विच इज़ अ टिबेटन डिश जिसमें मोमोज होते हैं और सूप होता है। And trust me, I've never had such delicious soup ever in my life. बहुत ही tasty था। Momos भी बहुत अच्छे थे, बहुत tasty थे। यहाँ के devil momos भी बहुत famous हैं। तो अगली बार आप कालसंग में आएँ तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर try करना। इस जगह की मुझे सबसे खास बात ये लगी कि जो भी visitor कालसंग आता है वो एक personalized message छोड़ जाता है। And when you revisit this place, you can actually see those messages and relive your memories. Isn't that so cool? Our next stop was the famous Chick Chocolate Cafe. यहाँ के desserts, smoothies, shakes बहुत famous हैं। यहाँ पे handmade candies और chocolates मिलती हैं, तो आप अपने family members के लिए, बच्चों के लिए ले जा सकते हैं। They also serve pasta, pizza, ravioli, lasagna. There's lot of variety. यहाँ का ambience मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपको Marilyn Monroe, Bob Dylan के बहुत सारे photographs देखने को मिलेंगे, which gives this place a very rustic and retro vibe. कालसंग में इतना तड़कता भड़कता खाने के बाद वी आर क्रेविंग फॉर समथिंग स्वीट, सो वी ऑर्डर टिरामिसु। बताओ कैसे? अच्छा, बट आई एम क्वाइट कंफ्यूज्ड अबाउट द टेस्ट। लेट मी टेस्ट। I would say this was not the best tiramisu I've ever tasted, but ठीक था, काफी मॉइस्ट था, सॉफ्ट था और बहुत ही ठीक मीठा था, ना ज़्यादा कम था ना बहुत ज़्यादा था। बट मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है ये कैफ़े। कॉस्ट फॉर टू विल बी अप्रॉक्सीमेटली 600-700। नेक्स्ट इज़ द चीत रेस्टोरेंट जो लाइब्रेरी चौक के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे आपको चाइनीज़ और एशियन खाना मिलेगा। इनकी स्पेशलिटी जो है वो है पहाड़ी थाली, और आई थिंक आप पहाड़ में आए और पहाड़ी थाली ट्राई नहीं करी तो फिर क्या खाया। आई थिंक जहाँ आप घूमने जाते हैं वहाँ के फ्लेवर्स, वहाँ की ऑथेंटिक डिशेज आपको ज़रूर टेस्ट करनी चाहिए। सो वी ऑर्डर्ड पहाड़ी थाली जिसमें आल की सब्जी थी, झोल, रेड राइस, खीर और मड़वे की रोटी विच इज़ रागी घी के साथ, मज़ा ही आ गया। और इन्होंने भांग की चटनी दी थी जो कि बहुत टेस्टी थी। डोंट वरी, इस चटनी को खा के आपको बिल्कुल नशे नहीं होंगे क्योंकि ये भांग का बीज यूज़ करते हैं जिससे कुछ भी नहीं होता है, बट चटनी वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही टेस्टी चटनी थी। मतलब पूरी थाली हमने चट कर दी, हमने एक्स्ट्रा रोटियां भी ली, मज़ा आ गया। नेक्स्ट इज द लिटिल लामा कैफे विच इज अ मस्ट विजिट। ये जगह कुछ सालों पहले ही खुली है, बट विद इन सच शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दिस प्लेस गेन लॉट ऑफ पॉपुलरिटी स्पेशली अमंग यंगस्टर्स। आई रियली लव द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस, इट्स क्वाइट कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न। इसके फर्स्ट फ्लोर पे भी सीटिंग एरिया है जहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखता है, लेकिन हम रात में गए थे तो हमें कुछ खास व्यू नहीं दिखा। देयर मेन्यू इज़ अ मिक्स ऑफ इटालियन, कॉन्टिनेंटल एंड एशियन डिशेज। यहाँ का बर्गर, वुड फायर पिज्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। If you are health conscious, then this place is for you क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सैलड ऑप्शन आपको मिलेंगे। We were already full, तो हमने हल्का फुल्का ही ऑर्डर किया। We ordered brownie and garlic bread. Brownie was so yummy कि मुझे अभी तक उसका टेस्ट याद है। गार्लिक ब्रेड भी अच्छा था। यहाँ पे मैंने जार केक्स, मफिन्स और कुकीज़ देखी। दैट टाइम आई वॉज फीलिंग कि मेरा एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मैं इन सब चीज़ों को टेस्ट करके देखती। They were so tempting. नेक्स्ट इज़ द माई शॉप रेस्टोरेंट। अगर आपको चाप बहुत अच्छी लगती है, तंदूरी पनीर, तंदूरी चिकन आपका फेवरेट है, बेसिकली तंदूरी डिशेस आपको बहुत अच्छी लगती हैं, देन दिस प्लेस इज़ फॉर यू। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो पूरा रेस्टोरेंट फुली पैक था, हमें एक भी टेबल नहीं मिली बैठने को। सो यू कैन जज बाय दैट कि कितना चलता है रेस्टोरेंट, कितना फेमस है। यहाँ पे आपको इंडियन मसालेदार फ्लेवर्स मिलेंगे, वैरायटी ऑफ चाप, एंड चिकन लवर्स दिस प्लेस इज़ फॉर यू।
तो हमने ऑर्डर करी अफगानी चाप और हमने रिजॉर्ट में वापस आके उसको खाया, हमने पैक करा लिया था और ठंडी होके वो इतनी अच्छी लग रही थी, आई विश हमने गर्मा गर्म खाई होती तो मज़ा ही आ जाता। This is the Cafe Hinge. It's a very cute little cafe with the prettiest ambience. Their menu is all about Mexican and Italian dishes. यहाँ पे आपको sandwiches मिलेंगे, pasta, pizza और यहाँ पे coffee बहुत famous है। मसूरी में जब बारिश पड़ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, so we were craving for something hot. That's why we ordered cappuccino. It was very well presented, बहुत ही tasty थी और मैंने देखा जितनी भी dishes table पे serve हो रही थी बहुत ही beautifully presented थी. Their presentation was amazing. So it's a nice cafe with really tasty and yummy food. हम iconic lovely omelette center पे भी गए और अगर आप omelette खाते हैं तो यहाँ पे आके cheese omelette जरूर try करना, बहुत ही famous है. So yeah, that's it. Thanks for watching the video. I know you're awesome and if you find my videos awesome too, please like, share and subscribe. I'll see you in my next video. Till then, lots of love to you. Bye.